नमस्ते, हम अभी है शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में और हमारे साथ है चिंतन भाई अमीन। चिंतन भाई नमस्ते, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज हम चिंतन भाई से बात करेंगे उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूँ चिंतन भाई के बारे में तो उनकी उम्र 40 साल की है। ही इज़ अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। उनकी हाइट 168 है और उनका वज़न एक हफ्ते पहले 122 केजी 122 किलो वज़न था, कि जो मोर्बिड ओबेसिटी कैटेगरी में आता है। मोर्बिड ओबेसिटी अगर मैं आपको बताऊं कि ओबेसिटी के स्टेजेस होते हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो स्टेज होता है उसको मोर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। जनरली 38 के अगर आपका बीएमआई हो तो वो उसमें आता है। चिंतन भाई का बीएमआई 46 था। उन्होंने अभी डॉक्टर अनीश नागपाल से शेल्बी हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक स्लीव सर्जरी कराई है। उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लेप्रोस्कोपी में चीरे बहुत ही छोटे लगते हैं और बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ प्रूवन सर्जरी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जब वेट लॉस आपको अगर दूसरे तरीक़ों से ना हो, सो दैट इज़ एन ऑप्शन दैट पीपल ऑप्ट फॉर। तो हम आज बात करेंगे चिंतन भाई से उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो चिंतन भाई, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका वेट का इश्यू था और आपने कोशिश की और उससे भी कुछ इश्यूज थे आपको हेल्थ के भी, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली मुझे पिछले 2-3 साल पहले ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ था एंड आई ऑल्सो हैव स्लीप एपनिया, जो रात को सोते टाइम सांस में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से आई वेक अप एट नाइट। सो आई वाज एडवाइज टू, जो सीपैप मास्क होता है वो पहन के सोने का एडवाइस वो मिला था। तो 6 महीने पहले मैं डॉक्टर अनीश सर से मिला था, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि यू आर अ प्राइम कैंडिडेट फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। पर उस टाइम मैं पूरा कन्विंस नहीं था कि आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर सर्जरी अभी, लाइक आई वांट टू टेक वन मोर चांस। तो इसलिए उन्होंने फिर सजेस्ट किया तो आप एक्सरसाइज डाइट वगैरह से एक बार ट्राई कर सकते हो। तब आई वॉज अराउंड 124। तो 6 महीना रिगरस एक्सरसाइज किया, पर्सनल ट्रेनर रख के, डाइट भी जो भी डाइटिशियन ने बोला वो भी फॉलो किया, सब किया, पर 1-2 किलो ही वज़न कम हो पाया। फिर हम फिर से मिले तो उन्होंने बोला कि ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ भी रीज़न हो सकता है ये चीज़ का कि जिससे नहीं हो रहा है। एंड नाउ इट वॉज स्टार्टिंग टू इफेक्ट मी मेंटली एज वेल बिकॉज ऑफ द हैवी वेट। तो फिर हमने फाइनली कॉल लिया कि आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर दिस सर्जरी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन, क्योंकि 1 वीक पहले मेरी सर्जरी हुई एंड आई एम ऑलरेडी एट 117, सो आई हैव लॉस्ट 5 kgs एंड आई एम फीलिंग मच लाइटर मेंटली फिजिकली बोथ, और इट हैज़ बीन वेरी गुड एक्सपीरियंस और I can say even say life changing experience for me personally, and whoever is जो भी नहीं कर सकते हैं खुद से, सारी कोशिश करने के बाद उनको डेफिनेटली डॉक्टर को मिल के इसके बारे में सोचना चाहिए। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस कि आपका एक ही हफ्ते में 5 किलो वज़न उतर गया है। तो मुझे थोड़ा सा ये सर्जरी के, मतलब ऑपरेशन के पहले का, फिर यहाँ का, कि आपका स्टे कैसा था, कितने दिन तक आप रहे, और उसके बारे में, और उसके बाद वाला उसके एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग है ना जनरली, मैं आपको बताऊं, सर्जरी के नाम से लोग बहुत डरते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर्जरी जिनकी हुई है वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो लोगों को मालूम हो सकता है कि भाई एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो ज़रा आप हमें अगर बताइए कि प्री ऑपरेशन से लेके आपके डिस्चार्ज तक का सफ़र कैसा रहा? मेरे घर में भी ऐसा ही था, बिकॉज पहले जब मैं मिला आके डॉक्टर से, देन आई वॉज वेरी श्योर, पर मेरी वाइफ, मेरे मदर फादर सब थोड़े हेजिटेंट थे। तो फिर मैं अपनी वाइफ को लेके गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने उससे भी समझाया कि कैसे होगा, क्या होगा, वेरी एफिशिएंटली एंड कामली। तो वो भी देन शी वाज अक्रॉस द ऑन बोर्ड कि अब ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर को मिले, पूरे हमारे टेस्ट हुए यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में, जो प्री ऑपरेशनल टेस्ट होते हैं, जिसमें पूरे बॉडी, मतलब सारे ब्लड टेस्ट हुए, इको ईसीजी सब हुआ, डॉपलर टेस्ट हुआ, एक्सरे और एंडोस्कोपी सब मिला के सब चेक करके फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि आई एम सेफ़ टू गो हेड विद द सर्जरी एंड देन उन्होंने वीक के बाद का मेरे को मंडे का टाइम दिया था टू गेट एडमिटेड। तो ऑन मंडे बेसिकली इट वॉज प्री ऑप एंडोस्कोपी टेस्ट कि जिसमें एंडोस्कोपी करके उन्होंने चेक किया कि स्टमक में कोई इश्यू नहीं है लेप्रोस्कोपिकल सर्जरी करने के लिए। तो मंडे को हम एडमिट हुए थे, मंडे एंडोस्कोपी हुआ, देन ट्यूसडे मॉर्निंग मेरा सर्जरी हुआ एंड आई वॉज डिस्चार्ज ऑन थर्सडे मॉर्निंग। सो मतलब 2 दिन ही मेरे को ऑपरेशन के बाद रहना पड़ा एंड इवन ऑन ट्यूसडे नाइट इटसेल्फ आई वॉज एबल टू मूव अराउंड द रूम माई सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। तो ज़रा मुझे ये भी जानना था कि लेप्रोस्कोपी के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, तो इसमें दर्द की ऐसा सर्जरी के बाद के बारे में कुछ मतलब बेरेबल पेन है? ऑब्वियसली मतलब सर्जरी है तो थोड़ा तो होगा। तो जब भी एनेस्थीसिया वगैरह हुआ तो वो 1-2 घंटा थोड़ा दर्द लगा, पर उसमें भी द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल कि मेक श्योर किया कि कम से कम हो। और फिर आफ्टर दैट नाइट देयर वाज नो पेन एट ऑल। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे चिंतन भाई ने बताया कि प्री सर्जरी भी कंप्लीट जांच हुई। मैं आपको बताऊँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ नॉट वन मैन शो कि छोटी हॉस्पिटल में कि उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, एक टीम होती है जिसमें देयर इज़ ऑल्सो बेरियाट्रिक फिजिशियन। पूरा काउंसलिंग, कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए सर्जरी से पहले, डाइटिशियन भी होते हैं टीम में। ये टीम आपको बताऊं तो जनरली ओबेसिटी ट्रीटमेंट की टीम जो होती है इट इज़ अ टीम ऑफ 5-6 एक्सपीरियंस पीपल, जिसमें आपके बेरियाट्रिक सर्जन आ गए, बेरियाट्रिक फिजिशियन आ गए, जिसमें आपके डाइटिशियन आ गए, जिसमें आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आ गए कि आपको एक्सरसाइज का ना वो सब करेंगे, काउंसलर आ गए कि जैसे चिंतन मैंने हमें बताया कि उनको मेंटली भी लोग क्या जनरली हम देखते हैं कि अगर आपका वज़न कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मेंटली भी थोड़े इश्यू हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में भी काफ़ी लोग चले जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि चिंतन भाई हैज़ बीन अ वेरी ब्रेव इंडिविजुअल, ही हिमसेल्फ डिसाइडेड कि मैं करूँगा और उन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की। तो फिर चिंतन भाई ये बताइए कि सर्जरी के बाद आप घर गए, डिस्चार्ज हुए, उसके बाद से रूटीन लाइफ में आते कितना आपको समय लगा? नॉर्मली सेम डे से मतलब सर्जरी के दूसरे दिन से ही हलन चलन तो सब तो चालू हो गया था और डॉक्टर ने भी बोला था कि आप मूवमेंट जितना ज़्यादा रखोगे उतना रिकवरी फास्ट रहेगा। तो थर्सडे को घर जाने के बाद भी लाइक आई वॉज एबल टू मूव अराउंड, मुझे किसी का सपोर्ट या कुछ चाहिए नहीं था, सब अपना काम मैं खुद कर सकता था और खाने पीने का भी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में लेना था फॉर 1 वीक कि 1 वीक तक खाली लिक्विड एवरी 2 आवर्स। सो वो भी मैनेजेबल था एंड और कोई डिस्कम्फर्ट या कोई पेन कुछ हुआ नहीं 1 हफ्ते में। घर पे भी मैं 1 हफ्ते में 3 बार ऑफिस भी जा चुका हूँ और बाकी सब भी काम कर सकता हूँ जो डे टू डे होते हैं। वंडरफुल। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्टर अनीश नागपाल ने एक भरतनाट्यम डांसर, जैसे इनकी सर्जरी भी एकदम सक्सेसफुल रही है, एक ही हफ्ते में 5 किलो वज़न उतर गया है। शी इज़ अ वंडरफुल भरतनाट्यम डांसर, उनकी एक अकेडमी भी है। उनको अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर हो गया था और उसकी वजह से शी कुड नॉट मूव, तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 100 किलो से ज़्यादा वज़न हो गया उनका। ये शी हैड ऑल्सो चोजन डॉक्टर अनीश नागपाल फॉर हर सर्जरी। और उनका मैं आपको बताऊँ कि 6 महीने में 40 से ज़्यादा 40-50 किलो जितना वज़न उनका उतर गया था। वो वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। मैं अभी चिंतन में ये जानूंगा कि हॉस्पिटल में हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद द स्टाफ एंड अदर पीपल? इट वॉज अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा भी कह सकता हूँ कि स्पेशली नाइट टाइम में नर्सिस एंड डॉक्टर एंड वो सारे मतलब बहुत सपोर्टिव थे। जैसे जब भी कॉल बेल प्रेस करो 1-2 मिनट में ही कोई आ जाता था और जो भी बोलो। फर्स्ट टाइम शेल्बी में सर्जरी करवा रहे थे पर इसलिए थोड़ा था कि कैसा रहेगा, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो 3 दिनों में कोई कंप्लेन या कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ चैलेंजिंग सर्जरी, इजी सर्जरी नहीं है, जिसमें हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी टीम हो आपकी पूरी, सारी एडवाइस कर सके। सर्जिकल स्किल ऑफ द सर्जन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चिंतन भाई ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस विद डॉक्टर अनीश नागपाल जी के साथ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। डॉक्टर जो होता है मतलब बात करने से ही हमें पता चलता है कि कितना स्किलफुल है, कितना नॉलेजेबल है। अब उनसे पहली बार 6 महीने पहले मिले थे, जब मेरा मतलब ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक थोड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तब उन्होंने खाली सजेस्ट किया था कि आप कैंडिडेट हो अगर आप करवाना चाहते हो तो, पर इंसिस्ट फिर भी नहीं किया था, उन्होंने मेरे पर छोड़ा था। फिर आफ्टर लेंथी डिस्कशन वी डिसाइडेड कि विल गिव वन मोर ट्राई, तो इसलिए मैंने 6 महीना वेट किया। फिर हम फिर से मिले तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर इन डेप्थ समझाया, मेरे जितने भी डाउट थे सारे क्लियर किए। एंड स्पेशली जब मैं वापस घर गया तो मेरे फैमिली वाले फिर भी कन्विंस नहीं थे, तो मेरी वाइफ को लेके मैं फिर से गया और उसके भी सारे डाउट उन्होंने काफ़ी पेशेंटली क्लियर किए। एंड ही वॉज एबल टू कन्विंस हर, एंड ओनली थैंक्स टू दैट आई वॉज एबल टू गो अहेड विद इट, क्योंकि माई वाइफ वॉज टोटली अगेंस्ट द सर्जरी कि खाली सर्जरी क्यों करवाना है, मेहनत करके करो। बट एट द एंड सब कर चुके थे और कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर डॉक्टर ने उसे भी मतलब कन्विंस किया और फिर हमने सर्जरी करवाई। तो आई थिंक ही इज़ वेरी कैपेबल एंड वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर इन हिज फील्ड। वंडरफुल, थैंक यू चिंतन भाई, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आशा उम्मीद रखते हैं, वी आर श्योर कि आपका भी वेट लॉस होगा, वो हमारी भरतनाट्यम डांसर और कोच थी उनकी तरह सक्सेसफुली होगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल स्पीक अगेन। 4-6 महीने में फिर से मिलेंगे, आपके घर आएंगे हम, आपके घर आएंगे, चाय पियेंगे आपके साथ और आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक यू।